नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर्ट एंड डेकोर विद लिली में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको अपनी सारी पेंटिंग्स दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी पेंटिंग बनाई है और कौन कौन सी टेक्निक यूज की है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी मधुबनी पेंटिंग दिखाती हूँ। मधुबनी पेंटिंग बिहार का आर्ट है, बहुत ही सुंदर आर्ट है और सिंपल भी है, और आप अगर बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। और अगर जिसको स्केच ना करना आता हो वो यहाँ पे ट्रेस करके उसके ऊपर कलर से आप इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल आर्ट है, हालांकि थोड़ा सा डिटेलिंग इसमें होती है, टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है बनने के बाद। तो मैंने इस तरीके से बनाया और इसके किनारे मैंने थोड़ा सा अपना टच दिया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने कोन वर्क किया है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने इस तरीके से यहाँ पे काम कर दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी मेरी एक मधुबनी पेंटिंग है। ये भी बहुत ही सुंदर लगती है, ये ऐसे इस तरीके से लेडी बनी हुई है पीकॉक के साथ। और यहाँ पे मैंने डिटेलिंग किया है, तो थोड़ा सा मैंने मिरर भी लगा दिया है, अपना टच दे दिया है। तो देखिए ऐसे इसका कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने बहुत ही सुंदर लगाया है इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स, ये एक और पेंटिंग है। ये हालांकि ये मधुबनी से मिलती जुलती पेंटिंग है, लेकिन इसको टिकुली आर्ट बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल है और आप चाहे तो इसको फटाफट स्केच कर सकते हैं और कलर से भी सिर्फ बना सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है ब्लैक बेस लेके। यहाँ पे मैंने ये मीनाकारी वर्क से बनाया है एक पेंटिंग, देखिए इसमें पीकॉक बनाया है। तो ये मीनाकारी वर्क में मैंने ये ग्लास कलर का यूज किया है, इसलिए इतनी ये शाइनिंग आ रही है। तो ग्लास कलर का यूज करके और गोल्डन 3D आउटलाइनर से काम किया है इस पे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे मैंने एक और मीनाकारी वर्क बनाया है, हालांकि इसमें मैंने थोड़ा सा अपना टच भी दिया है। ये मिरर की जगह मैंने गोटा पट्टी लगाया है। तो देखिए ये भी कितनी सुंदर लग रही है पेंटिंग। तो फ्रेंड्स, आप मेरी हर पेंटिंग में देखेंगे कि एक बेसिक पेंटिंग होती है, बाकी उसमें मैं अपना कुछ कुछ टच दे देती हूँ। जैसे इसमें भी मैंने गोटा पट्टी लगा दिया है, थोड़ा सा स्टोन भी लगा दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर और डिफरेंट टाइप का लग रहा है पेंटिंग। इसके बाद फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने एक कैनवास पे बनाया है पेंटिंग। तो इसमें मैंने थोड़ा सा क्ले का भी काम किया है, लिपन का काम किया है और मिरर वगैरह लगाया है। और ये देखिए यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह ये सब मैंने क्ले से बनाया है। तो ये भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, आप प्रिंट आउट लेके और ट्रेस करके और इस तरीके से आप बना के इसको सजा सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक और लिपन बनाया है। तो देखिए मिरर लगा के और ये कोन वर्क करके इस तरीके से पीकॉक बनाया है। और इसका बेस फ्रेंड्स, केक का जो बेस होता है जो हम फेंक देते हैं, तो उसी पे मैंने ये पेंटिंग बनाई है। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और लिपन की पेंटिंग है मेरी। मैंने उसका मोल्डिट का यूज़ किया है, मोल्डिट से सारी डिज़ाइन बनाई है और कलर करने के बाद इस तरीके से मिरर लगा दिया है। और इसको कलरफुल, जितना इसको आप कलरफुल बनाओगे वो उतनी ही अच्छी लगेगी। देखिए फ्रेंड्स, एक और लिपन की पेंटिंग है मेरी। ये इसमें छोटे से कृष्णा जी बनाया है मैंने, और ये किनारे मैंने कोन से वर्क किया है। कोन में मैंने मार्बल डस्ट पाउडर और फेविकोल मिक्स करके कोन बना के इस तरीके से फ्लावर और लीव्स वगैरह बनाए हैं, और ये मिरर लगा दिया है।
और ये किनारे भी आउटलाइन मैंने कोन से ही किया है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको अपनी वर्ली पेंटिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये वर्ली पेंटिंग है और ये जो बेस है ये कैनवास मैंने घर पे ही बनाया है, तो जो वेस्ट गत्ता होता है उस पे जो है बुकरम लगा के इस तरीके से आप कैनवास बना सकते हैं। और वर्ली पेंटिंग भी बहुत ही इजी होती है, अगर आप थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, नहीं तो ट्रेस करके भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगी। देखिए एक और है, ये भी कैनवास मैंने बनाया था इस तरीके से। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ही सिंपल और इजी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरी क्ले पेंटिंग है, तो इस पे मैंने क्ले से काम किया है और ये जो मैंने टेक्सचर दिया है कल इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट दिया है, और किनारे मैंने ये क्ले से काम किया है और उस पर स्टोन लगाया है। और ये बांसुरी जो मैंने बनाई है फ्रेंड्स ये भी क्ले की है, तो इसके अंदर मैंने पहले पेपर से बांसुरी बना के उसके ऊपर क्ले लगाया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये जो राधा कृष्ण है ये पेपर के कटआउट हैं, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसको लगा दिया है कि ये बिल्कुल उसमें मिक्स हो गया है, लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। तो देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है। इसके बाद एक क्ले पेंटिंग और बनाई है मैंने फ्रेंड्स, ये देखिए ये भी जो है मार्बल डस्ट पाउडर में आप फेविकोल मिला लेंगे तो उससे क्ले बनाने के बाद उस क्ले से बना सकते हैं आप इस तरीके की पेंटिंग। अगर आप उस क्ले का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मोल्डेड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें या ट्रेस कर लें और उसमें क्ले से काम करके इस तरीके की पेंटिंग बना सकते हैं। ये एक पेंटिंग, इसमें भी मैंने क्रैकल इफेक्ट दिया है बेस में और क्ले से काम किया है। ये जैसे ये बेल्स वगैरह जो हैं ये देखिए ये क्ले का बना हुआ है, और लिपन का भी काम किया है मैंने, और ये पेपर डेकोपेज का भी यूज़ किया है। ये गणेश जी, जैसे घर में कोई शादी के कार्ड वगैरह होते हैं तो गणेश जी होते हैं उसमें, तो वही काट के मैंने यहाँ पे स्टिक किया है। देखिए ये भी बहुत ही सुंदर लग रही है पेंटिंग, तो आप ऐसा भी कुछ बना सकते हैं, क्ले और ये डेकोपेज दोनों टेक्निक मिला के आप ऐसी पेंटिंग बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मैंने एक बुद्धा की भी पेंटिंग बनाई थी, ये आप बेस में देख रहे होंगे, ये बेस में मैंने मार्बल इफेक्ट दिया है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं ये पेंटिंग मैंने प्रिंट आउट निकाला था और उसको MDF बोर्ड पे पूरा स्टिक करके उसको कलर किया और ये इफेक्ट दिया और ये सारी डिटेलिंग करी, और इतनी अच्छी लग रही है। तो आप इस तरीके की भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि फोटो प्रिंट आप प्रिंट आउट निकाल के आप उसको स्टिक करके उसमें कलर फिल कर सकते हैं। और ये किनारे देखिए ये भी मैंने इफेक्ट दिया है, ये किनारे मैंने टिश्यू पेपर स्टिक किया था बाउंड्री में, सारे पूरे में टिश्यू पेपर स्टिक करने के बाद थोड़ा सा ये इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा, फिर उसको मैंने कलर किया है। और ये 3D आउटलाइनर आता है मल्टी कलर का, उससे काम कर दिया है। देखिए ये भी कितनी सुंदर लग रही है पेंटिंग। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी कौन सी पेंटिंग आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।